कांग्रेस को बुधवार को गांधी नेहरू परिवार को छोड़कर एक नया कमांडर मिल गया है। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर के नेताओं को कांग्रेस की कमान मिली है। अध्यक्षीय दौड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराया है। आपको बता दें कि खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन था, ऐसे में उनकी जीत पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के वोटों की गिनती ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में हुई। चुनाव के मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने थे, लेकिन खड़गे की जीत तय थी। चुनाव में 9,900 वोटर्स में से 9,500 ने वोट डाले, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले, वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए आखिरी बार साल 1998 में वोटिंग हुई थी, तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद थे। सोनिया गांधी को करीब 7,448 वोट मिले, जबकि जितेंद्र प्रसाद 94 वोटों पर ही सिमट गए थे। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर गांधी परिवार को कभी कोई चुनौती नहीं मिली। इधर सीएम गहलोत ने खड़गे को अध्यक्ष पद की जीत पर बधाई दी है। डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान पर हमला बोला जा रहा है और हर इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवा कर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के सफल आयोजन के लिए मैं पार्टी के सभी डेलीगेट्स, सीनियर लीडर्स, वर्कर्स और जो कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। आप सब प्रोसेस में हिस्सा लेकर कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले, एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिलके काम करना है, ये कहा, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूँ। सोनिया जी ने पर्सनल सेक्रीफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। लंबी जद्दोजहद और सियासी उठा पटक के बाद कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक नया अध्यक्ष मिल गया है। 24 साल बाद सीताराम केसरी के बाद गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मिला और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इस वक्त आपको भीड़ जो है वो काफी कुछ बयां करती हुई दिखाई दे रही है। 80 साल के खड़गे ने शशि थरूर को एक बड़े अंतर से अध्यक्ष चुनाव में हरा दिया है और चुनाव से पहले ही माना जा रहा था कि खड़गे आसानी से चुनाव जीती जाएंगे। इसके पीछे काफी कुछ वजहें भी बताई जा रही थी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के काफी करीबी बताए जाते हैं और इसके साथ ही काफी विश्वसनीय नेता भी मल्लिकार्जुन खड़गे बताए जाते हैं। लेकिन वोटों की बात करें तो काफी अंतर के वोट के हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हरा कर एक नए अध्यक्ष के रूप में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की गद्दी संभाली है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस काम करेगी तो कैसा प्रदर्शन करेगी और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगी।
कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।